हरिओम, मेरा नाम मंगेशसिंह अर्जुन खानविलकर। मैं बापू के पास 2001 से आ रहा हूँ। बापू के बलगट के एक्टिविटी में मैं हूँ। मैं आज मेरा अनुभव कथन करने वाला हूँ। जो बापू का मुझे अनुभव आया है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये वाक्या है जून 2000 का वाक्या है। उस वक्त वो मुझे ऐसा हुआ था कि जून के फर्स्ट वीक में मुझे थोड़ा सर्दी खांसी के जैसे हुआ था। तो उस वक्त मुझे ऑफिस के काम की वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाने नहीं मिला, इसलिए मैंने मेरे एक मित्र थे उनसे दवाई ली और मैं ठीक हो गया। उसी वक्त ऐसे होने लगा कि मैं जब एक्सरसाइज करता था तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती थी, मुझे मेरी सांस फूलती थी, मुझे थोड़ा वोमिटिंग जैसा होता था। तो मुझे लगा कि बीमार था इसलिए हो रहा है, तो मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो और ही बढ़ने लगी। तो उसी वक्त उसी हफ्ते में हमारी परम पूज्य बापू जी के साथ मीटिंग थी। तो मैंने मीटिंग होने के बाद बापू को बताया कि बापू मुझे एक्सरसाइज करने के वक्त हाँफने जैसा और वोमिटिंग जैसा होता है। तो बापू ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि कुछ नहीं है, तू तेरे एक्सरसाइज चालू रख, मैं तुझे बाद में 2 और एक्सरसाइज दूंगा। तो मैंने सोचा कि अभी बापू ने बोला है तो और एक्सरसाइज बढ़ाने पड़ेगी, इसलिए मैंने एक्सरसाइज और बढ़ा के करने चालू किया। तो भी मेरा हाँफना और वोमिटिंग जैसा होने ही हो रहा चालू ही था। उसके बाद ऐसे हुआ कि मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू चालू रखा था। तो भी उसी हफ्ते में 18 तारीख को मैं मेरे सिस्टर के घर पे आया था कांदोली में। तो उधर 2 दिन रुकने के बाद और पीछे बैक साइड में मुझे ऐसे जलन जैसे होती है वैसे होने लगा था। मुझे लगा कुछ एसिडिटी की वजह से हो रहा है, इसलिए मैंने ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब मैं मेरे सिस्टर के वहाँ से जब मंडे को 20 तारीख को वहाँ से निकला, तो उसी वक्त मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे चलने के वक्त भी दम लग रहा था, मुझे चलने नहीं हो रहा था, पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था। तो मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है। मेरे मन में खाली बापू का नामस्मरण चालू था और मैं बापू को बोल रहा था कि बापू कुछ तो करो, मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। तो कैसे कैसे मैंने बस पकड़ के फिर मैं कांदोली स्टेशन आया। कांदोली स्टेशन आने के बाद मुझे जब सीढ़ियाँ चढ़नी थी तो सीढ़ियाँ चढ़नी नहीं हो रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अभी गिर जाऊँगा या कुछ तो होने वाला है। मैं कैसे कैसे करते फिर ब्रिज पर चढ़ के फिर वहाँ पर बैठा। बैठने के बाद ऐसे हुआ कि सब लोग मेरे पास देख रहे थे कि इसको क्या हुआ है, ये दारू पे क्या है, कि ऐसा सबको लग रहा था। तो मैं वैसे ही फिर ट्रेन पकड़ा और सोचा कि अभी ऑफिस नहीं जाना है, अभी सीधा घर पे आना है। तो मैं सीधे वहाँ से घर पे आया। घर पे आने के बाद मैं पूरे शांत से पंखा फैन वगैरह फास्ट करके सो गया। फिर उसी दिन हम लोग की शाम को बापू जी के साथ परम पूज्य बापू जी के साथ मीटिंग थी। तो उस दिन ऐसे हुआ कि मैं मीटिंग के लिए निकला तो मुझे मेरा हाँफना और मेरे पेट में काटना तो चालू ही था। तो मैं सोचा आज मीटिंग होने के बाद बापू को बता देंगे। मैं हर वक्त बापू के सामने बैठा था। उस दिन मैं बापू के लेफ्ट साइड में बैठा और अंदर जाने के बाद बापू मेरे पास ऐसे देखते थे और हंसते थे, देखते थे और हंसते। मैं आज ऐसे क्यों हो रहा है कि बापू मेरे पास देख रहे और हंस रहे, देख रहे और हंस रहे। मैं सोचा कुछ रहेगा। उसके बाद बापू ने एक बार मुझे इशारा किया और मुँह से कहा कि एस्ट्रे करके। तो मैंने बापू को एस्ट्रे जाके दिया, तभी बापू ने मेरे पास देखा और हंसे। मीटिंग चालू थी। फिर मेरा तो हाँफना और मेरे वोमिटिंग जैसा हो रहा ही था। तो उसके बाद बापू फिर से उठे और बापू ने जो एसी का बटन था और कूल किया और ठंडा किया। वो और ठंडा होने के बाद वो पूरा मेरे मुंह पे आ रहा था एसी का, तो मुझे और तकलीफ होने लगी। तो बोला कि आज तो कुछ अलग ही हो रहा है। फिर मीटिंग खत्म, रात को 1 बजे मीटिंग खत्म हुई। उसके बाद मैं तुरंत बापू के पास गया तो बापू ने मेरे कंधे पे हाथ डाला और तो मैंने बापू को कहा कि बापू कि मुझे मेरी कंडीशन ख़राब है, मुझे कुछ ये हो रहा है। तो बापू ने कहा कि मुझे मालूम है। बापू ने मेरे को कहा कि कल शाम को जाके सुचित दादा से मिलना, मैं सुचित दादा से बात करता हूँ। और तो बापू ने कहा कि कुछ नहीं, तू जा, कुछ नहीं होगा तेरे को। और मैं वैसे निकल गया। उस दिन रात को मैं घर पे आया, 1 बजे आने के बाद खाना वगैरह खा के मैं सो गया। तो उसी रात का एक वाक्य है कि जब मैं सोया था तो 3:15 की एक ख्वाब आया। ख्वाब में मेरे बदन पे पूरे सफ़ेद कपड़े, इतने शुभ्र कपड़े सफ़ेद कि मैं पूरा ऐसा चमक रहा हूँ। और उसी वक्त बापू का हाथ आता है, मेरे बदन के ऊपर से सब वाइट कपड़े सफ़ेद कपड़े निकाल के मेरे बदन के ऊपर खराब कपड़े जो मैले कपड़े वो डाल रहे। मैं दचक के मुझे नींद से उठ गया। तो उठने के बाद मैंने देखा तो ये क्या, ये तो भयानक ख्वाब था। तो मैंने बापू के फोटो के पास देखा और बापू को कहा कि बापू तुम ही देख रहे हैं क्या है। दूसरे दिन शाम को मैं क्लिनिक आया। क्लिनिक आने के बाद दादा आए नहीं थे तो मुझे डॉक्टर ने चेक किया और शिवा डॉक्टर ने चेक करने के बाद तुरंत मुझे पूछा कि तू सुबह क्यों नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे बापू ने कहा था कि शाम को जाना है इसलिए मैं शाम को। तो शिवा डॉक्टर ने मुझे एक्सरे निकालने और ECG करने कहा। तो मैं एक्सरे निकल गया। आने के बाद तुरंत
मेरी ईसीजी की गई। ईसीजी जैसे ही हुई तभी तब तक सुचित दादा आए थे। सुचित दादा ने ईसीजी देखी भी नहीं और सुचित दादा ने कहा कि मुझे तुम्हारे ईसीजी में प्रॉब्लम रख रहा है, तुझे दो दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। तो मैंने दादा से पूछा, दादा कुछ अटैक वगैरह है क्या? दादा बोले अटैक वगैरह कुछ नहीं है, तुझे दो दिन खाली ऑब्जर्वेशन में रहना है। तो अपन दादा ने बोला कि उसके पहले हम डॉक्टर हरीश मेहता है जो कार्डियोलॉजी से कंसल्टेंट है उनकी एडवाइस लेते। तो दादा ने मुझे उनके पास भेजा। तो दादा ने मुझे पूछा कि तू कैसे जाने वाला, अकेला जाने जा रहे क्या? बोला हाँ मैं अकेला जाने वाला। तो दादा ने पूछा कि नहीं अकेला नहीं जाना है, तू एक काम कर राजेंद्र सिंह डिंगनकर को लेके जा। तो राजेंद्र डिंगनकर ने मुझे बाइक पर जाके हरीश मेहता के पास छोड़ा। हरीश मेहता ने भी वहाँ पर मेरी ईसीजी की। ईसीजी करने के बाद हरीश मेहता को भी सेम जो दादा को प्रॉब्लम था कि दादा बोल रहे थे कि ईसीजी में प्रॉब्लम, वही उनको भी लगा। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तू कहाँ पर एडमिट होने वाला है, तुझे हिंदुजा चलेगा या नानावटी? तो मैंने कहा कि मुझे नानावटी नज़दीक रहेगा क्योंकि मैं सांता हाउस में रहता था, नानावटी नज़दीक रहा। तो उन्होंने मुझे लेटर बना के दिया। लेटर में उसने मैं तभी पढ़ा नहीं, मैं बाहर आके जब लेटर पढ़ा तो देखा कि उसमें ICCU लिखा था। मैं बोला ICCU क्यों लिखा है, ICU ठीक है, तो भी ICCU मतलब बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार जाके दादा को फिर से बताते कि दादा ऐसा ऐसा है करके। इसलिए मैं फिर से क्लिनिक आया, दादा के पास गया। दादा के पास जाने के बाद दादा ने मुझे तुरंत कहा कि अरे तेरे एक्सरे का रिपोर्ट आया और एक्सरे में निमोनिया दिखा रहा है और निमोनिया की वजह से तुझे हार्ट में ब्रीदिंग जा रहा है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आया है करके। तो मैंने दादा को लेटर बताया कि दादा ऐसे से मुझे एडमिट होना। दादा बोले तुरंत एडमिट होना। तो दादा ने पूछा कि तेरे साथ कौन है करके। तो मैंने कहा कि सर्वेश सिंह कंटक है और हेमंत सिंह मात्रे मेरे साथ आ रहे। तो मैं जैसे ही दादा के क्लिनिक से निकल रहा तो दादा ने मुझे रुकने का और बोला कि हॉस्पिटल से आने के बाद तुरंत मुझे आके मिलना। तो मैंने दादा से ओके करके निकल गया। मैं उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल में आया। हॉस्पिटल में आने के बाद मैं जब काउंटर पे पर्ची दिखाई तो उन्होंने पूछा कि पेशेंट कौन है। तो बोला पेशेंट मैं हूँ। तो बोला आप पहले जाके बैठिए साइड में, आप दूसरे किसी को भेज दिए। तो बोला मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं नहीं बोला हमें डॉक्टर ने कहा है कि आपको बैठने का है, आप दूसरे किसी को भेजिए। उसके बाद फिर व्हील चेयर लेके आए, व्हील चेयर पर मुझे बैठने का। तो मुझे मैंने उनको कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो नहीं बोला हमको कहा है कि आपको व्हील चेयर पर ही लेके जाना है। व्हील चेयर से फिर मुझे वार्ड में लेके गए। वार्ड में जब मैं गया तो भी मुझे देख समझ में आया कि कुछ तो ये भयानक है। फिर मुझे सब वो जब इंस्ट्रूमेंट लगाए गए उसके बाद ऐसा हुआ कि दो दिन तक डॉक्टर को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है करके। सब डॉक्टर ECG निकल रहे, ECG में प्रॉब्लम दिख रहा है, तो भी उनको फाइंड आउट नहीं हो रहा था कि एक्चुअली क्या हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि अभी लास्ट ये है कि अब CT स्कैन करेंगे। तो पहले कैसे हुआ था, दो दिन में मेरा इतना हुआ था कि हॉस्पिटल का बिल 50 के ऊपर गया था और अभी CT स्कैन का 15,000 मतलब 60,000 में मुझे फालका करने वाला था। तो मैंने एक बार मेरे मित्र श्रीधर सरदी से उनसे कहा कि एक बार दादा से पूछ के लेते कि CT स्कैन करना है कि नहीं। और उसी वक्त मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि डॉक्टर अभी मुझे ICCU में रुकना है या जनरल वार्ड में। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं अभी तुम जनरल वार्ड में रुक सकते हो, तुम्हारा अभी ब्रीदिंग का कम हुआ है करके। तो मुझे 23 तारीख को गुरुवार को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया और कहा कि अभी दूसरे दिन हम लोग CT स्कैन करेंगे। तो 23 तारीख को सुबह मुझे जब जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया तो उसी वक्त मुझे थोड़ा ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। उसी वक्त दोपहर में जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने फिर से ECG की और फाइनली डन किया कि कल अभी ये करना है, CT स्कैन करना है। तो भी उसी दिन मेरे को श्वास और इसमें थोड़ा तकलीफ हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो हो रहा है। और क्या हुआ था, दो दिन में कुछ उपासना हुई नहीं थी मेरे बापू की, कुछ भी उपासना मैंने की नहीं थी। तो मैंने मेरे सिस्टर को कहा था कि आज सब लेके आना ग्रंथ वगैरह, मुझे आज उपासना करनी, क्योंकि दादा ने मुझे सुंदरगढ़ के 50वीं पढ़ने कहा, बापू ने मुझे कहा है मारुति सूत्र ये करने का है। तो वो सब करना था मुझे और वो कुछ भी नहीं हुआ था, मातृवत्सला ग्रंथ भी नहीं हुआ था। तो उस दिन मैंने कहा कि अभी आज मैं जनरल वार्ड में सब कर सकता हूँ। तो उस दिन सब लेके आया, मैंने सब उपासना की और बापूजी की जो क्लेश निवारक है वो भी उपासना उसी वक्त फर्स्ट टाइम मैंने की। तो हुआ ऐसे कि एक शाम को 7 बजे एक नर्स आई और नर्स ने मेरे आके ये हाथ में मुझे इंजेक्शन ये किया। तो उसी वक्त मुझे इतना दर्द होने लगा कि ऐसे लगा कि वो कुछ तो मेरे बदन में जोर से कुछ ये हो रहा है। तो मैंने नर्स से कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसे होता है। बोला नहीं नहीं मैं इतने दिन से इंजेक्शन 2 दिन से ले रहा तो भी नहीं हो रहा था, आज मुझे बहुत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो तुम्हारी ये आउट हुई रहेगी इसकी वजह से हो रहा है, तो मैं आधा इंजेक्शन बाद में दे दूँ।
वो तुरंत वैसे निकल गई और मैं ऐसे बैठा था तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं फटाक से पीछे गिर गया। पीछे गिरने के बाद मैंने पूरे इस पर आँख पे पूरा अंधेरा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कहा हूँ एक 15 मिनट के बाद मुझे होश आया, तभी देखा कि मेरे आजू बाजू में डॉक्टर थे, सब मुझे देख, तभी मुझे लगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं किधर शांत जगह में सोया होकर के। उसके बाद वो डॉक्टर बोले कि अरे तुमने कुछ खाना खाया नहीं रहेगा, इसलिए आपको चक्कर वगैरह आ ही रहेगी, आप एक काम करो खाना खा लो उसके बाद इंजेक्शन लेना। तो फिर खाना आया तो मैंने खाना वगैरह खा के लिया, और उसके बाद फिर सिस्टर ने क्या किया, ये हाथ से निकाल के ये हाथ पे मुझे ये लगा के फिर इंजेक्शन देने आए। तो उन्होंने तभी इंजेक्शन दिया, तभी मैंने उनसे कहा कि देखो अभी मुझे दर्द नहीं हो रहा है, अभी कितना आसान से हो गया। फिर वो इंजेक्शन देके निकल गई और मैं पीछे ऐसा ये करके सोया था। सोने के थोड़ी देर के बाद मैंने मेरे सिस्टर को कहा कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए, तो मुझे पानी देना, इसलिए मैं पानी पीने के लिए उठ गया। और पानी का ग्लास जैसे मैं लिया तो वैसे मैं फिर से पीछे गिर गया। पीछे गिरने के बाद ऐसे हुआ कि मेरी राइट साइड की आँख थी वो पूरी बंद हो गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे हाथ और पैर पूरे ठंडे हो गए थे, मेरे कुछ भी नहीं चल रहा था, खाली इतना ही पार्ट मेरा चल रहा था, पेट से मेरे सर तक। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे सांस लेने ही नहीं जम रही थी, और मुझे राइट आँख से कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो डॉक्टर आए, डॉक्टर मुझे पूछ रहे थे कि पहले बचपन में कभी ऐसा हुआ था क्या, कि पहले कभी तुमको चक्कर आया था क्या। तो मेरे सिस्टर ने सब कुछ बताया कि नहीं नहीं इसको ऐसा कुछ नहीं हुआ था खाली। तो डॉक्टर ने पूछा कि फिर कभी इसको बचपन में गिरा था क्या, तो मेरे सिस्टर ने कहा कि हाँ एक बार खाली चक्कर आके गिरा था। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है ये लिख दो, ये हिस्ट्री में लिख दो कि इनको मिगरी का प्रॉब्लम था और इसके वजह से ऐसा हो रहा है करके। तो मेरे सिस्टर ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप उसके ऊपर कुछ तो उपचार कीजिए, आप उससे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे खाली मैं ऐसे लग रहा कि मुझे क्या कभी सांस ये हो रही। तो डॉक्टर ने मेरे सिस्टर को साइड में लिया और उनसे कहा कि तब तक मुझे लेफ्ट आँख से दिख रहा था कि डॉक्टर मेरे सिस्टर से बात कर रहे हैं। तो मेरे सिस्टर को वो बता रहे थे कि आप अपने रिलेटिव को बुला लो, हम लोग कुछ गारंटी नहीं देते। और उसी वक्त मेरे दिमाग में ऐसे ये हुआ कि बापू का नाम सुनना चाहिए। बापू बोला ये क्या, बापू ने मुझे इतना जल्दी नहीं जाना है, मुझे इतना जल्दी नहीं, बापू एक चांस दे दो, मुझे इतना जल्दी नहीं मरना है। तो मैं ऐसे बापू से बात कर रहा था, मुझे बापू कुछ दिख रहे नहीं थे, बापू को रहा था नहीं बापू मुझे एक चांस दे, मैं अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मुझे आपको कार्य करना है, अभी तो तूने मेरे को तेरे साथ लिया है, तो अभी इतना जल्दी मुझे नहीं जाना है। तो मैं ऐसे बापू से बात कर रहा है, बात करते हुए ऐसा हुआ कि मैं बापू को बोल रहा कि बापू तुमने ही कहा था उस दिन मीटिंग में कि मरना है तो शान से मरना है, ऐसे कुत्ते मुंगी जैसा नहीं मरना है, तो ये कौन सा मरण है, मुझे ऐसे नहीं मरना है, मुझे कुछ तो करके मरना है, बापू प्लीज़ मुझे एक चांस देना। और दादा ने मुझे कहा है कि फिर से आके मिलना, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे बापू नहीं दिख रहे थे, बापू तो मेरे तब तक मेरे दोनों आँख ऊपर गए चले गए थे, और मुझे ऐसे ही लग रहा था कि अभी कुछ तो करो। तो मैं बापू को इतना चिल्ला के नामस्मरण कर रहा था, वो मन साहब कि बापू मुझे बचाओ, बापू मुझे बचाओ, बापू मुझे एक चांस दे, एक चांस दो। तो मुझे बापू नहीं दिख रहे थे, फिर आखिर ये हुआ कि मैंने ठान लिया कि ठीक है बापू चलो, अभी तुम कहते हो ना कि नहीं मरना ही है, तो अभी तो दिखो, अभी तो मुझे आप आओ जाओ मेरे सामने, क्योंकि तुमने ही कहा है मुझे कि आपने तुमने ही कहा था कि जब लास्ट तुम्हारा वक्त रहेगा तभी मैं तुम्हारे सामने रहूँगा, तो अभी किधर, अभी तो आप दिख रहे ही नहीं मुझे, प्लीज़ बापू मुझे आप देखो करके। ऐसे करते करते बापू तो मुझे दिख रहे नहीं थे, वैसे करते फिर मुझे तुरंत ICU में शिफ्ट किया गया। ICU में शिफ्ट करने के बाद उधर जब मुझे चेक किया तो तब तलक हरीश मेहता वगैरह डॉक्टर आए थे, तो उन्होंने चेक किया तो उनको तभी फाइंड आउट हुआ कि मेरा BP 40 के नीचे आया था, और 40 के नीचे जब BP आता है तो आदमी बचता नहीं है, आदमी मरा हुआ रहता है। तो हरीश मेहता को सरप्राइज था कि ये कैसा बच गया, और फिर उन्होंने मेरा BP बढ़ाने का मुझे इंजेक्शन वगैरह दिया, और फिर मैं एक घंटे के बाद रिलैक्स हुआ। और एक घंटे बाद रिलैक्स होने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है, मुझे लग रहा है कि कुछ तो मेरे साथ हुआ है, तो मुझे किसी से बात करने नहीं मिल रहा था, किसी को कुछ बताने भी नहीं रहा कि मुझे क्या हुआ है करके, और कोई भी मुझे बता रहा नहीं था कि तुझे ऐसा ऐसा हुआ है करके, सब लोग बोल रहे थे आके कि नहीं कुछ नहीं। तभी हरीश मेहता बोले कि अभी कल तेरा CT स्कैन कर रहे हैं और अपने को कल फाइंड आउट हो जाएगा क्या है। तो फिर दूसरे दिन सुबह मेरा CT स्कैन किया गया, तो CT स्कैन में ऐसा हुआ कि मेरे लंग्स में खून की गांठ थी और वो CT स्कैन में दिखा रही थी, और उसके वजह से ये पूरा सब कल का ये हुआ था। तो ये ऐसा था कि ये गांठ इतने दिन से थी तो ये गांठ सरकी क्यों नहीं, और ये मिराकल था। डॉक्टर हरीश मेहता को भी ये मिराकल रख रहा था कि ये गांठ सरकी क्यों नहीं, क्योंकि ये ऐसा था कि अगर ये गांठ सरक के
जो मेरे अगर हार्ट के इधर रहती है तो मुझे अटैक आता है और मैं तुरंत मर जाऊंगा, और ये गांठ अगर सरक के मेरे ब्रेन में जाती तो मेरा ब्रेन हेमरेज होके मुझे पैरालिसिस के, मैं पूरे इसके लिए ऐसे पैरालिसिस में ये हो जाता था। तो ये एक मिराकल था, और हरीश मेहता को ये समझ में नहीं आ रही थी कि ये हुआ कैसा, कि गांठ वहाँ पर ही कैसे रुकी रही। फिर मुझे ऐसा हुआ कि मुझे एक 90,000 का इंजेक्शन देना था जो गांठ मेल्ट करने के लिए, तो मुझे 90,000 का इंजेक्शन दिया गया। तो वो इंजेक्शन देने वक्त मुझे ऐसे बताया गया था कि आपका पूरा खून पतला होने वाला है, और उस वक्त ऐसे हो सकता है कि आपका खून पतला होने से आपके आँख से या कान से या आपके ब्रेन में खून ज़्यादा हो सकता है, और आपको आप कोमा में जा सकते हैं। तो उसी वक्त, और वो इंजेक्शन के लिए 6 घंटा लगने वाले थे। तो उसी वक्त हुआ कैसे कि मुझे 6 घंटे में खाली एक ही ये था कि मुझे बापू के ऊपर विश्वास था, और बापू का नाम स्मरण मेरे चालू था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे बापू ऐसा कुछ भी होने देने वाले नहीं, क्योंकि मेरा बाप ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, और मैं बापू का नाम स्मरण कर रहा था। वो 6 घंटे निकल गए, 6 घंटे निकलने में कुछ भी मैं हुआ नहीं, ना कहाँ से मेरे खून आया, और फिर डॉक्टर बोले कि यू आर लकी कि आप बच गए करके। तो उसी दिन शाम को हुआ कैसे कि मेरे एक मित्र अमित चौहान जो हैप्पी होम में 2nd फ्लोर पे कुछ काम के वैसे गए थे, तो वहाँ पर बापू उसको मिले। तो बापू मिलने के बाद अमित चौहान ने बापू से बोला कि बापू अभी मंगेश सिंह अभी स्टेबल है, मैं देखा अभी अच्छा है अभी ओके। तो बापू ने उसे कुछ नहीं कहा, खाली बापू ने उसके सर के ऊपर मार के बोला कि बच गया साला, और बापू निकल गए। तो अमित सिंह मुझे आके बोला कि अरे बापू ने इतना ही कहा कि बच गया साला। तो मुझे तभी समझ में आया कि जो भी मेरे साथ हुआ वाकया वो सही था। तो तब तक कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे किसी से बात नहीं करने मिल रही थी, क्योंकि किसी को कुछ भी बताने नहीं, मुझे ये हो रहा था कि मुझे क्या हुआ है, मुझे ये हुआ है। और उसी दिन ये श्रीधर सर देसाई और विक्रांत सिंह देसाई दादा से मिलने गए थे, तो दादा ने भी तभी उनको यही कहा कि वो गया था, बापू ने उसको लेके आए। तो उसके बाद हुआ कैसे कि मुझे एक 4 दिन के बाद मुझे घर पे भेज दिया गया। घर पे आने के बाद मुझे दादा ने कहा था कि हॉस्पिटल से आने के बाद मुझे मिलना है, तो मैं दूसरे दिन ही दादा को मिलने गया। मैं जैसे ही दादा के कैबिन में गया तो दादा ने मुझे कहा कि बैठो, और दादा ने मुझे एक हंसते हुए कहा कि क्या तुम ऊपर जाके घट्टी बजा के आए, कुछ कोई दिखा कि नहीं ऊपर। तो मैं दादा से कुछ बोल ही नहीं सका, क्योंकि मुझे मालूम था कि जिस वक्त मेरे साथ जो भी हुआ था तभी दादा थे, और ये सब दादा ने किया था। क्योंकि कैसा कैसे रहता है कि डॉक्टर जो रहते हैं वो जो इम्पॉसिबल रहते हैं, जो पॉसिबल रहता है वो डॉक्टर करते हैं, और जो इम्पॉसिबल रहता है वो खाली मेरे बापू और दादा कर सकते हैं, और कोई नहीं करेगा। और ये मुझे मालूम था कि ये इम्पॉसिबल था, और ये बापू ने और दादा ने ही किया था। तो मैं दादा को कुछ नहीं किया बोला, खाली हरिओम बोला, और फिर दादा ने मुझे कहा कि अभी 1 महीना आराम करना है, 1 महीने के बाद तू आके फिर से मुझे मिलना, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि सेवा करना है और मीटिंग कभी अटेंड करना है। तो वैसे 1 महीना जाने के 1 महीना मुझे आराम करने बोला था। तो उस वक्त वैसे कैसे होता था कि मुझे वो वाकया याद आता था, और वो वाकया याद आने के बाद मुझे डर लगता था, ऐसा लगता था कि अभी कुछ तो होने वाला है, अभी कुछ तो होना। और ये मुझे दादा को बताने नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं दादा के पास जाके भी भूलता था। तो उसके बाद जैसे 1 महीने के बाद जब मैं दादा से मिलने आया, तो दादा ने मुझे कहा कि अभी तुम प्रवचन में आ सकता है और बापू के मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं करके। तो उसी हफ्ते में अगले मंडे को बापू के साथ मीटिंग थी, तो मैं बापू के पास गया। तो बापू ने देखा, मुझे बुलाया, तो बापू ने पूछा कि क्या डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्या कौन सी दवाई चालू। तो मैंने उनको बताया कि बापू वॉरफिन चालू है, ऐसे डॉक्टर ने ये सब खाने के लिए ये किया। तो बाबा मैं खड़े खड़े बात करता, तो बापू ने मुझे बैठने कहा, बैठने फिर बैठ के मुझसे पूछने लगे। तो तभी मैंने बापू को बताया कि बापू जो भी वाकया हुआ है उसका मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत मुझे ये रात को ये सता था। तो बापू ने कहा कि कुछ नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, अभी सोचना भी नहीं उसके बाद। तो बापू ने कहा कि तेरा हाथ देना मेरे हाथ में। तो मैंने हाथ दिया बापू के हाथ में, तो बापू ने लिया हाथ और मुझे कहा कि बापू ने खुद का हाथ दिया मेरे हाथ में, और बापू ने कहा कि जोर से दबाना, जितना हो सकता है उतना जोर से दबाना। तो मैंने जितना हो सकता है उतना जोर से दबाते दबाते रोका। तो बापू बोले नहीं और दबा और दबा, और मैंने जब से वो हाथ लिया और दबाया, और उसके बाद बापू ने मेरे सर के ऊपर से हाथ घुमा के कहा कि कुछ भी नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, और कुछ भी होने वाला नहीं आगे, तेरे को कुछ भी नहीं होने वाला, और डरने का नहीं। बापू ने मुझे कहा मैं तेरे साथ हूँ, बापू ने मुझे कहा। उसके बाद फिर ऐसे हुआ कि हम लोग की मीटिंग चालू थी, तो एक जन हम लोग के एक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि बापू श्रीधर सदस्य ने इसकी टिप ली थी, मतलब इन लोग ये बीमार था उसी वो इसमें भी ये शिवाजी पार्क में एक्सरसाइज करने जाते थे, राउंड मारते थे वगैरह ऐसे। तो बापू ने मुझे पूछा कि आप तू वैसा करता था, बोला हाँ बापू मैं वैसे करता था।
तो बापू बोले कि नहीं, ये जो तूने एक्सरसाइज की, ये सब कुछ किया, इसकी वजह से तेरा तेरी जो बीमारी थी वो बहुत बड़ी थी, तो भी एक्सरसाइज की वजह से तेरी बीमारी कम हो गई और इसकी वजह से तेरा जो जो बीमारी का इफेक्ट था वो कम हुआ। मुझे मालूम था कि बीमारी का इफेक्ट किसने किया, ये बापू ने ही किया था, खाली बापू मेरे को बोल रहे थे, तो मेरे मालूम था कि मेरा बाप ही ये सब इसमें से मुझे निकाला है। तो वो मेरे दोस्त बोले कि नहीं बापू, तो भी ये गया ही था ना, ये मरने वाला ही था। तो बापू ने उससे कहा कि ये ऐसा होने वाला ही नहीं था, ये चांस ही नहीं था, ये ऐसे नहीं होता था, क्योंकि मैं था, मैं ऐसे होने ही नहीं देता था। उसके बाद ऐसा हुआ कि अभी ये जो बापू का जो है, जो बापू जो अपना है, ये बापू अपना बाप है, और ये अपने बेटे को कैसा, उसके ऊपर जो आने वाला संकट को कैसे निरसन करने का, ये उसको मालूम रहता है और वो अच्छी तरह उसको ये करता है। इसलिए उसने मेरे को अपने साथ लिया, अपने साथ ये करके फिर बराबर से मेरे को जो बीमारी होने, उसमें से मेरे को इतने बड़े संकट में से बाहर निकाला। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि जो इस पूरे जगत का बाप है वो ही मेरा बाप है, और उसका ही पूरा इस पे जो भी राज चल जाए, तो मेरे को निकालने वाला ही था। तो हुआ कैसे कि इस वक्त जब मैं बीमार बीमार होकर 1 महीना जब मैंने घर पे ये किया, तो एक शायरी याद आई थी, और वो शायरी मैं अभी बता रहा हूँ कि जीने मरने का डर किसको, जीना तो बापू ने सिखाया, जीने मरने का डर किसको, तो जीना तो बापू ने सिखाया, मौत आती है तो आने दो, इसको तो एक दिन आना है, हम तो खुश नसीब है कुछ ऐसा करके जाएंगे, हम तो खुश नसीब है कुछ ऐसा करके जाएंगे, मौत आने के पहले खुद बापू लेने आएंगे, खुद बापू लेने आएंगे। हरिओम, मैं अम्बन्य हूँ।